ये है हमारा पोको X2 इंडिया का डिवाइस, जो कि अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा के रख रखा है अपने कैमरे की वजह से। और अभी यहाँ पे इसका एक अपडेट आ गया है 12.5.1 स्टेबल, जो कि इंडिया में नहीं है, चाइना में है। और इसे फ़िलहाल मैंने अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर रखा है ताकि आपको कंप्लीट डिटेल दे दूँ। इसका मतलब ये है कि चाइना में आ गया तो जल्दी हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा और बैक टू बैक EU का अपडेट आ जाएगा। तो अभी तो जैसा कि आपको बताया गया कि भाई आप MIUI से दूर रहो क्योंकि कैमरा ख़राब हो सकता है, बट मैंने आपके डिटेल्स के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस रोम को अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश कर दिया है और रिस्क ले लिया है। इसके लिए प्लीज़ एक लाइक करिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इस चाइना स्टेबल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है और कैसा है परफॉर्मेंस। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसका जो ऐप्स ओपनिंग रिस्पॉन्स है और जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल है। और चाइना रोम होने की वजह से यहाँ पे आपको कोई भी पोको लॉन्चर वगैरह देखने को नहीं मिलता, जैसा कि इंडिया में कांड की गई है पोको लॉन्चर के साथ, जिसकी वजह से जेस्चर का तो हाल बुरा था, बट इस डिवाइस के लिए सही है लेकिन बाकी अदर इशूज़ है। यहाँ पे माई डिवाइस पे आते हैं तो आपको दिखाई देगा MIUI का जो वर्जन है वो है 12.5.1 स्टेबल। और यहाँ पे नाम आप देख सकते हो K30 दिखाई दे रहा है क्योंकि चाइना क्रोम डाल रखा हूँ और चाइना में K30 के नाम से गया था। ऑल एस्पेक्ट्स में आपको यहाँ पे जो 5 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा, जो कि आप कह सकते हो थोड़ा सा ओल्ड है, और बाकी अदर वही चीज़ें देखने को मिल जाती है। नीचे की ओर फैक्ट्री MI रिसेट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे MI का अकाउंट देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया में सबसे नीचे है, जो देखने को हमें मिलता है। वहीं पे इस रोम की ओर से हमें वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन देखने को मिलता, जो कि इंडिया में तो कभी देखने को हमें मिला नहीं और पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे सारे फीचर्स का आप बेनिफिट ले सकते हो। सुपर लाइव वॉलपेपर्स वगैरह यहाँ पे दिए नहीं गए हैं क्योंकि ऑफिशियली इस डिवाइस को मिला नहीं था, तो आप अलग से डाल सकते हो बट यूज कर पाओगे डालने के बाद। नोटिफिकेशन के अंदर एक नया ऑप्शन ऐड हो चुका है, जो कि कुछ टाइम पहले हमें जो चाइना बीटा के अंदर देखने को मिला था, जो कि यहाँ पे आइसलैंड का था और साउथर्न चाइना वगैरह का, तो वो आपको यहाँ पे इस स्टेबल के अंदर फाइनली ऐड दिखाई देता है। बाकी वही सारे आपको कॉमन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लॉक स्क्रीन से रिलेटेड कुछ भी नया नहीं है, बट इसके फॉन्ट है जो हमें डिफरेंट देखने को मिल जाता है और काफ़ी स्मूथ आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो रबराइज टाइप का, जो कि इंडिया में तो आने वाला है नहीं, तो चाइना ही डाल के आपको मजे लेने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको साउंड के प्रोफाइल में असिस्टेंट वगैरह देखने को मिल जाएगा, अलाउ स्पीकर साउंड्स वगैरह का ऑप्शन, और बाकी वही सारे ऑप्शन हैं जो कि कॉमन हमें देखने को मिलते हैं। होम स्क्रीन में जेस्चर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी स्मूथ काम करता है, और ऑनली ऑन आप ऐप डोर को ऑन या फिर ऑफ है जो यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गूगल डिस्काउंट तो आपको देखने को मिलने वाला है नहीं। तो ये जो मिलेगा आपको चाइना के वर्जन में ही देखने को मिलेंगे, चाइना लैंग्वेज के साथ, और रिसेंट का और फ्री मेमोरी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2.6 GB फ्री मेमोरी है 6 GB में से, और कई सारे टैब मैंने यहाँ पे जो ओपन कर रखे हैं, तो यहाँ पे ये कोई भी लैग मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, जैसे कि इंडिया में सिस्टम को ब्राउज करते समय कभी कभी सिस्टम स्ट्रटर करता है, ग्लिच देखने को मिलता है, वैसा मुझे यहाँ पे कहीं कहीं पे फील हुआ है, बट उतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका मस्ट वर्किंग से रहेगा, तो इससे रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है। रही बात प्राइवेसी प्रोटेक्शन, तो जो भी प्राइवेसी है चाइना वाले ही रूम में है, इंडिया वाले में तो बस प्राइवेसी के नाम पे कुछ दिया नहीं जाता। यहाँ पे आपको मिलता है प्रोटेक्शन, जिसके अंदर एक नया ऑप्शन ऐड हो चुका है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन लैब, जिसके हेल्प से आप अपने कीबोर्ड और लोकेशन को जो प्रोटेक्ट कर सकते हो, ताकि कोई भी एप्लीकेशन आपका एक्यूरेट लोकेशन डिटेक्ट ना कर सके और जो भी आप कीबोर्ड में टाइप करें वो कहीं पर लीक वगैरह ना हो, उसे प्रोटेक्ट करेगा। और सिक्योर आपको कीबोर्ड भी मिलता है, जो कि आपके कहीं पर भी पासवर्ड इन करोगे तो इनका खुद का कीबोर्ड आ जाएगा, ताकि आपका पासवर्ड इधर उधर लीक ना हो कीबोर्ड की वजह से, थर्ड पार्टी कीबोर्ड की वजह से। और इनका कीबोर्ड कितना सिक्योर वो तो भाई ये लोग ही जानते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे दिया गया है। बाकी हाई डेप्थ लोकल बैकअप वगैरह और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। बैटरी ओवरऑल मुझे काफ़ी सही लगा है, और आपको पता होना चाहिए कि कितना भी कुछ क्यों ना रहे चाइना रोम, इंडिया रोम से हमेशा ऊपर ही रहता है, तो यहाँ पे आपको अच्छा सा बैकअप देखने को मिल जाएगा, तो इससे रिगार्डिंग टेंशन नहीं है। MIUI 12.5 के लॉन्च इवेंट में बताया गया था कि हम सिस्टम के ऐप्स को अनइंस्टॉल और रिमूव कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें से ये कुछ डिफॉल्ट एप्लीकेशन है जिसे आप चाहो तो होम स्क्रीन से रिमूव कर सकते हो, बस इतने हैं जो आपको टर्न ऑफ करना है, और ये आपके होम स्क्रीन से गायब हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट गायब हो चुका है और फाइल मैनेजर भी यहाँ पे गायब हो चुका है। वापस लाने के लिए बस इन्हें जो ऑन कर देना है, उसके बाद है जो ये आपके होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, यानी डिसेबल हो जाता है और फिर से इनेबल हो जाता है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो कि सिस्टम के हैं, उन्हें आप यहाँ पे डायरेक्ट अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो कि इंडिया में आया नहीं। जैसे कि अगर मैं कैलकुलेटर के ऊपर टाइप करूँ तो अनइंस्टॉल का बटन देखने को मिलता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे रिकॉर्डर पे टाइप करते हैं तो इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए इसे हम डिलीट नहीं कर सकते।
उसके बाद स्कैनर, तो इसे भी हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हमारा अनइंस्टॉल हो जाएगा। और कुछ डिफॉल्ट एप्लीकेशन जो कि जरूरत होती है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ आप रिमूव कर सकते हो। वेदर को भी हम यहाँ पे अनइंस्टॉल कर पाएंगे जो कि सही है। यहाँ पे जो MI का वीडियो प्लेयर है इनका, इसे हम रिमूव कर सकते हैं। और जो एनिमेशन है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मिलता है जो कि इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ ऐप्स रिमूव ही अभी आया है कुछ डिवाइसेज के लिए। अनइंस्टॉल का फीचर्स कब आएगा कोई पता नहीं है। एडिशनल के अंदर आपको चाइना का रीजन है तो कुछ लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो EU आएगा उसमें मल्टी लैंग्वेज का सपोर्ट मिल जाएगा, तो आप उसका वेट कर लेना अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो रही बात यहाँ पे हमारा गैलरी, तो गैलरी ज़्यादा लेटेस्ट नहीं मिलता है, फिर भी ज़्यादा ओल्ड भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्लाउड का फीचर्स मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। और यहाँ पे आप मोड पे आते हो तो क्रिएट PDF, एडजस्ट, सेट वॉलपेपर, स्लाइड, रीनेम वगैरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और साथ साथ यहाँ पे आपको रिकमेंडेड में ओनली ऑन वीडियो एडिटर और डिस्कवर का ऑप्शन मिलता है क्लिप और बाकी का। जबकि यहाँ पे मैंने सारे कैमरे को टेस्ट किया है तो अच्छे से काम कर रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। ये बीच में फ्लैश वगैरह ऑन था तो ये मत समझना कैमरा खराब है, तो अभी फिलहाल मेरा कैमरा खराब नहीं हुआ है, अच्छे से काम कर रहा है। इसकी वजह से मैं यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ, बट आपकी राय अपनी होगी आप लेना चाहते हो या फिर नहीं। L1 का सपोर्ट तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे अमेजन प्राइम नेटफ्लिक्स का बेनिफिट नहीं देखने को मिलता चाइना के रोम के अंदर। यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश किया इसे रन करने का बट ये रन नहीं हो रहा था, तो इसे मैंने जो लीव कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉइस चेंजर देखने को मिल जाता है और सबके नेम है, DND है, WLAN है, स्विच सिम वगैरह। तो कुछ इस तरीके से आपको वॉइस चेंजर का सपोर्ट और बाकी गेम टर्बो का देखने को मिलेगा जो कि सही तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैंने गेमिंग भी किया है और मुझे गेमिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा है। जैसा कि आपको MIUI के डिफॉल्ट पे देखने को मिलता है ना, उससे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। तो गेमिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो इसे इंस्टॉल करना तो इंस्टॉल कर लेना। मैंने यहाँ पे सब कुछ बता रखा है कि आप कैसे चाइना रोम यूज कर सकते हो, प्ले स्टोर कैसे यूज कर सकते हो, बैंकिंग ऐप कैसे यूज कर सकते हो, और बाकी जितने भी छोटे मोटे इश्यूज आते हैं ना उन सभी को आप कैसे फिक्स कर सकते हो, इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है। तो अगर आप इंस्टॉल करने वाले तो उस वीडियो को चेक कर लेना। उसके बाद आप स्टेबल को डालने के बाद मैक्सिमम चीज़ों को फिक्स करके ग्लोबल स्टेबल टाइप का रोम चेंज करके और यूज कर पाओगे इस चाइना को, तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। तो वीडियो इतना ही था, छोटा सा, ज़्यादा कुछ चेंज किया गया नहीं है, बट जो कुछ भी था मैंने आपको शो कर दिया है। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।